किस संगठन के ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जीसेफ शुरू किया है दोस्तों, तो याद रखिएगा अच्छी तरह से आरबीआई शुरू किया है, आरबीआई शुरू किया है। नहीं देखिए 401 नंबर, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों का आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, तो याद रखिए चीनी, कपास और सूत पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है पाकिस्तान सरकार ने। नेक्स्ट 402 नंबर देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा 31 मार्च को मनाया गया, 31 मार्च को। नेक्स्ट देखिए 403 नंबर, क्या हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा रजनीकांत को दोस्तों। हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रजनीकांत को। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल भारत शीर्ष पर रहा। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, भारत दोस्तों शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान किया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारत प्रदान किया। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौते ज्ञापन याद रखिए MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान किया, तो भारत प्रदान किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 406 नंबर, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला, तो याद रखिएगा दोस्तों किसको मिला, तो शरण कुमार लिम्बानी को मिला दोस्तों। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला, शरण कुमार लिम्बानी को। हाल ही में किस देश के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों इंडोनेशिया में। हाल ही में किस देश के माउंट मेरोपी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया में। 408 नंबर देखिए, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का कर छूट प्रस्ताव किया दोस्तों, तो याद रखिएगा बिल्कुल 25% छूट प्रस्ताव किया बिल्कुल। किस बैंक को याद रखिएगा एशिया मनी, क्या दोस्तों किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एचडीएफसी बैंक को। नेक्स्ट देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल इरफान खान को दिया गया, इरफान खान को। नेक्स्ट देखिए 411 नंबर, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तापसी पन्नू को। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया, तो तापसी पन्नू को। नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन नीति के रूप में 465 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 7। जल शक्ति मंत्री राजेंद्र सिंह शेखावत ने जल मिशन या जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन नीति के रूप में 465 करोड़ रुपये मंजूरी किए हैं, तो याद रखिएगा 7 क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिए क्या है 413 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी PMC बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों तो 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया, 30 जून 2021 तक। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल गोरखपुर में किया गया। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहां किया गया, तो गोरखपुर में किया गया। नेक्स्ट 415 नंबर, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहां किया गया, हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहां किया गया, तो याद रखिए गोवा में किया गया। नेक्स्ट 416 नंबर, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों द ग्रेट खली को शामिल किया है। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया, द ग्रेट खली को। नेक्स्ट, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आशा भोसले को। नेक्स्ट 418 नंबर, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया, योगासन को, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल किरण रिजिजू। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है, आईपी सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल 40वें स्थान पर। नेक्स्ट देखिए 420 नंबर, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया,
तो याद रखिएगा शरद पगारे को, शरद पगारे को हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा शरद पगारे को। नेक्स्ट 421 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिहार। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया, बिहार ने किया है। नेक्स्ट 422 नंबर, विश्व रंगमंच दिवस वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस, तो याद रखिएगा दोस्तों 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखिए बिल्कुल भारत करेगा दोस्तों। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाराणसी में। नेक्स्ट 425 नंबर, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया, तो याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों चेन्नई। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया, चेन्नई में दोस्तों कमीशन किया गया। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है, शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बिल्कुल नॉर्वे में बन रही है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ने शुरू किया है मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। नेक्स्ट 428 नंबर, रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए, कितने देशों के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों 428 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल 18 देशों के। नेक्स्ट, हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सा या कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है, तो याद रखिए हरमनप्रीत कौर पहले स्थान पर रही है। हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है, तो हरमनप्रीत कौर पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट 430 नंबर, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। नेक्स्ट 431 नंबर, हाल ही में किस देश में स्थित सगे ज्वालामुखी फटा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वाडोर में फटा है दोस्तों। हाल ही में किस देश में स्थित सगे ज्वालामुखी फटा है, इक्वाडोर में। नेक्स्ट देखिए क्या है 432 नंबर, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 लाख रुपये कर दिया है। हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए 434 नंबर क्या है, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ, हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल कहाँ दोस्तों मैंगलोर में हुआ। नेक्स्ट देखिए 435 नंबर, विश्व जल दिवस 2021 की विषय निम्न में से क्या है, विश्व जल दिवस 2021 की विषय का क्या है दोस्तों, तो याद रखिए 435 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल वैल्यूइंग वाटर, क्या दोस्तों वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट देखिए 436 नंबर, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा बिल्कुल बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों UNDP शुरू किया, UNDP। नेक्स्ट देखिए 438 नंबर, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले कानून पारित किया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्पेन। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया, स्पेन। नेक्स्ट 439 नंबर, हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है, दोस्तों तो अच्छी तरह से याद रखिए बिल्कुल मणिपुर उभरा है। नेक्स्ट देखिए 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए कंगना रनौत को 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, कंगना रनौत को। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, शहीद दिवस, तो याद रखिएगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 442 नंबर, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया,
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल छिछोरे को। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? छिछोरे को। नेक्स्ट देखिए 443 नंबर, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया है? तो यह देखिए 1 महीने, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया है? 1 महीने। नेक्स्ट देखिए क्या है, 444 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा फिनलैंड को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फिनलैंड को। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का याद रखिएगा सर कार्यवाहक या महासचिव चुना गया किसे? तो याद रखिएगा किसको, तो दत्तात्रेय होसाबले को, दत्तात्रेय होसाबले को याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सर कार्यवाहक या महासचिव चुना गया किसे? तो दत्तात्रेय होसाबले को। नेक्स्ट देखिए 446 नंबर में है, सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तंजानिया। क्या है, सामिया सुलू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तंजानिया की। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? तो याद रखिएगा बिल्कुल स्वर्ण पदक जीत लिया है दोस्तों। भारत के पैरा एथलीट सिंह राज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 448 नंबर, हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा जीती है, हरियाणा। क्या हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? दोस्तों हरियाणा जीता है। हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों ये ढाका में किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल दोस्तों कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कैरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए 451 नंबर, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं ऑस्कर के लिए? तो रिज अहमद। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? रिज अहमद। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो याद रखिए बांग्लादेश ने बदल दिया सूचना मंत्रालय का नाम। नेक्स्ट देखिए क्या है, 453 नंबर, हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इलियट पेज बनी है, इलियट पेज। नेक्स्ट, निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए याद रखिए दोस्तों SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों माइकल होल्डिंग को। निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? माइकल होल्डिंग को। नेक्स्ट 455 नंबर, राष्ट्र टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्र टीकाकरण दिवस, तो याद रखिएगा बिल्कुल 16 मार्च को राष्ट्र टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट 456 नंबर, देखिए किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस, क्या हो जाएगा, रूस। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है? तो याद रखिएगा 74%। नेक्स्ट है 458 नंबर, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों जीपी सामंत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 459 नंबर, हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया? दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ और सौर फार्म बनाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिंगापुर, बिल्कुल। नेक्स्ट 461 नंबर, पूर्वी अफ्रीका देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सोमालिया, बिल्कुल सोमालिया। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इंकार कर दिया? सोमालिया। नेक्स्ट 462 नंबर, संसदीय समिति के सरकार में पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की गई है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 462 का हो जाएगा बिल्कुल 16 वर्ष। कितना दोस्तों? 16 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 463 नंबर, निम्न में से किसे ने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को, याद रखिए 100 मीटर की दौड़ में कितना तो स्वर्ण पदक जीत लिया है? क्या निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो वो कौन है दोस्तों? तो याद रखिए वो धनलक्ष्मी है, धनलक्ष्मी। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बन गई है? तो याद रखिए दिल्ली बन गई है दोस्तों। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। नेक्स्ट 465 नंबर, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में किया गया। 466 नंबर, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया? तो मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया है। निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अमेरिका बन गया है। 467 का बिल्कुल सी हो जाएगा, अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट 468 नंबर, निम्न में से किस राज्य में, याद रखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जॉनसन एंड जॉनसन, जॉनसन एंड जॉनसन को। नेक्स्ट 470 नंबर, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल श्रीलंका। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया? श्रीलंका। नेक्स्ट, वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों क्रेग ब्रेथवेट को। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा क्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट 472 नंबर है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कौन, तो हसमत उद्दौला साहिदी बन गया है। नेक्स्ट देखिए 473 नंबर, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा मिताली राज बन गई है दोस्तों, मिताली राज। नेक्स्ट 474 नंबर, देखिए हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा ये कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में हेरत उत्सव मनाया गया। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया अंतरिक्ष में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रांस ने। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता, अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल नाइजर ने। किसने जीता दोस्तों? नाइजर ने जीता है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए 477 नंबर, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कहाँ खोला गया? तेलंगाना में खोला गया। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य को भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया। दार्जिलिंग भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है दार्जिलिंग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखिए 480 नंबर, निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स FIFF, याद रखिए FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म, याद रखिए FIAF द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो अच्छी तरह से याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल अमिताभ बच्चन को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है?
तो याद रखिएगा ये बांग्लादेश। नेक्स्ट 482 नंबर, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तराखंड में। हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया, तो उत्तराखंड में खोला गया। नेक्स्ट 483 नंबर, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड याद रखिएगा CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से राज्य को पहला स्थान दिया गया, किसको, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओडिशा राज्य को। क्या केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है, तो दोस्तों ओडिशा को। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे लेकिन उससे पहले आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल किसने कर दिया 484 नंबर का, तो बी नंबर इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड ने कर दिया दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट देखिए 485 नंबर, जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, जन औषधि दिवस, तो याद रखिए 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 486 का बिल्कुल बी नंबर चीन दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% की बढ़ोतरी करके $209 अरब कर दिया, चीन ने कर दिया है। नेक्स्ट देखिए 487 नंबर, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है, तो याद रखिए बिल्कुल क्या लिगिया नोरहन्ना बना है, क्या लिगिया नोरहन्ना बना है दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है, तो लिगिया याद रखिए नोरहन्ना बना है या बनी है। नेक्स्ट भारत सरकार की तरफ से जारी इज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। भारत सरकार की तरफ से जारी इज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है, तो बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखिए 489 नंबर, EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल 8.5%। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है, 8.5% पर। नेक्स्ट देखिए 490 नंबर, हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल के मोहन कृष्ण बोहरा को। हाल ही में किसे साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया। 491 नंबर में है, हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल अमेरिका को। हाल ही में भारत ने किस देश को पहली लाल चावल की खेप रवाना किया है, तो अमेरिका को। नेक्स्ट 492 नंबर, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों MC मैरीकॉम को नियुक्त किया गया, MC मैरीकॉम को। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 चक्कर मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गया है, तो याद रखिए किरण पोलार्ड बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 494 का दोस्तों, नई दिल्ली में। कहां किया, तो नई दिल्ली में किया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 495 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च किया है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक लॉन्च किया, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए 496 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% या फीसदी राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान किया है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। और नेक्स्ट, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, तो बिल्कुल संसद टीवी नाम दिया गया, आपको बताना इसका पहला अध्यक्ष कौन है संसद टीवी का। नेक्स्ट 498 नंबर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपये की मंजूरी दे दिया है, तो याद रखिएगा कितना दोस्तों, बिल्कुल 101 करोड़ रुपये। नेक्स्ट 499 नंबर, संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यही पूछे थे दोस्तों अभी हम, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रवि कपूर को। नेक्स्ट 500 नंबर में है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है,
तो याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी प्राप्त किया है दोस्तों। हाल ही में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर होगा नागालैंड में रखी गई है। हाल ही में बिकाउज इंडिया कम्स फर्स्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो